नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की आज रिहाई हो रही है। पटियाला जेल से कुछ घंटे बाद वो रिहा हो जाएंगे। उनकी रिहाई निर्धारित तिथि से 45 दिन पहले हो रही है। अच्छे आचरण के आधार पर उन्हें छोड़ा जा रहा है। कुछ दिन पहले उनकी पत्नी नवजोत कौर ने ट्वीट किया था कि वो कैंसर के सेकेंड स्टेज से गुजर रही हैं और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया था कि सच किस तरीके से बार बार परीक्षा देता है, लेकिन मैं अब आपका और इंतजार नहीं कर सकती। कुछ इस तरीके का भाव था, वो काफी वायरल भी हुआ था। नवजोत सिंह सिद्धू किस तरह की शख्सियत थी सबको पता है, लेकिन रिहाई से पहले ही एक उनके साथ खेल हो गया है। उन्हें जेड प्लस की सिक्योरिटी मिली हुई है, उसको घटा करके वाई कैटेगरी का कर दिया गया, जिसको लेकर काफी हंगामा हो रहा है। पहले वो चिट्ठी लिख चुके हैं कि उनको किस तरीके का खतरा है। इसके बावजूद यदि पंजाब सरकार ने ये सिक्योरिटी घटाई है तो मान के चलिए कि आगे इस पर राजनीति होने वाली है। याद कीजिए, सिद्धू मूसेवाला की इसी तरीके से सिक्योरिटी घटाई गई थी, तब क्या हुआ था, फिर कैसे बवाल हुआ, फिर कैसे सिक्योरिटी वापस की गई, वो सब कुछ सबको पता है। लेकिन सिद्धू की जो रिहाई है और जो सजा है, वो है क्या पूरा मामला, वो है क्या पूरी कहानी? दरअसल ये वाकया है 27 दिसंबर 1988 का। पटियाला में अपने दोस्त रुपिंदर सिंह के साथ जो है वो गए थे मार्केट। वहाँ पे पार्किंग को लेकर के गुरनाम सिंह से उनका विवाद हो गया और बात हाथापाई मारपीट तक पहुँच गई। उसी में उन्होंने कहते हैं कि अपना कड़ा और घुटना मार करके उनको गिरा दिया था। वो बुजुर्ग थे, तत्काल उनको अस्पताल ले जाया गया था जहाँ उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, जो ट्रायल कोर्ट है उसने बरी कर दिया। मामला गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने जो है दोनों मामलों को, दोनों दोस्तों के मामलों को अलग कर दिया और 3-3 साल की सजा सुनाई। सजा होने के बाद ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 1000 का जुर्माना लगा करके छोड़ दिया। इनके केस लड़े थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, अरुण जेटली। इसी बीच क्या होता है कि विक्टिम पक्ष फिर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका लेकर के जाता है और कहता है कि बहुत अन्याय हुआ है, इन्होंने मारा है, लिहाजा इनकी इनको सजा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सजा सुनाई 1 साल सश्रम कारावास। अब उसके बाद इन्होंने सरेंडर किया और फिर जेल चले गए। तब से वो जेल में है। और उससे पहले, जेल जाने से पहले किस तरीके से चर्चे में आए थे, पंजाब की राजनीति में छा गए थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर के और चन्नी के मुख्यमंत्री बनने तक ये लाइमलाइट में रहे, कभी खुश हुए कभी नाराज हुए, काफ़ी चर्चे में रहे। अब 1 साल तक ये गुमनामी में चले गए। फिर इनकी पत्नी ने को कैंसर का पता चलता है, फिर वो ट्वीट करती हैं और अब आ गई है वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार और उसने फैसला कर लिया इनकी सिक्योरिटी घटाने का, वो बाहर निकलने वाले हैं। फिर तो जो अंदाज है उनका उसमें, और कांग्रेस आक्रामक होकर के वार करेगी सरकार पे, देखने वाली बात होगी। इस पे हमारी नज़र रहेगी। रही बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।